फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं नोटे साग भाजी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे ही कुकिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ और देख लेते हैं हमें कुकिंग के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे हमें कुक करने के लिए चाहिए 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, एक चॉप किया हुआ ऑनियन और 4 से 5 स्लाइस किया हुआ ग्रीन चिली, और हमें चाहिए मस्टर्ड ऑयल, नमक और हल्दी। तो पैन को हमने गरम होने के लिए छोड़ दिया है, पैन हमारा गरम हो चुका है। तो यहाँ पे पैन हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा गरम होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसमें हमारा जो रेसिपी है वो तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइए और ऐसे ही मजेदार रेसिपी के लिए हमारे साथ रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पे हम पहले जो ऑयल हीट होने के बाद हम इसमें डाल देंगे पीनट्स। पहले पीनट्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इसको जलाना नहीं है, बस अच्छी तरह से इसको फ्राई होने देना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से निकल जाए। करीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकाने में, फिर हम इसको एक एक करके अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए पीनट्स हमारा फ्राई हो चुका है, आप ये मत सोचिएगा कि ये जल चुका है, क्योंकि पीनट्स को हमें इसी तरह से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम थोड़ी सी जीरा डाल देंगे और उसके बाद हम लहसुन की कलियां डाल देंगे। एक एक करके लहसुन को थोड़ी सी फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज। थोड़ी देर के लिए इसको अच्छी तरह से स्टर फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे स्लाइस किया हुआ जो मिर्च हमने रखा था वो सारे इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए स्टर फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें एक एक करके जो चॉप्ड करके वॉश करके रखा था हमने साग वो सारे इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से सारे साग को हमें इसमें डाल देना है। फ्रेंड्स, साग की एक और रेसिपी भी हमारे चैनल पे है, तो अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, हम आई बटन पे लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे। अब इस तरह से हम साग को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और नमक। हमने यहाँ पे थोड़ा सा ही हल्दी का ये इस्तेमाल किया है, करीबन 1.5 चम्मच के बराबर। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो वो आप यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, करीबन 2 चम्मच के बराबर हम इसमें नमक डालेंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह से सबके साथ मिला लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, आप देख सकते हैं इससे फिर भी पानी निकलना शुरू हो गया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें कोई भी पानी की ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ पीनट्स थोड़ी सी क्रश करके इसमें डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो साग भाजी है पीनट्स को लेकर, बादाम से मिली हुई साग की जो भाजी है वो हमारा तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, ये लगभग तैयार है। आप चावल के साथ इसको खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है चावल के साथ, गरम गरम राइस के साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इसको सर्व करने की तरफ।